दो दिन से सरकार बचा रहे उद्धव अब अपनी पार्टी बचाने की जुगत में है, क्योंकि शिंदे ने सरकार ही नहीं सीधे पार्टी पर कब्जे की घोषणा कर दी है। वो इसका ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। दरअसल शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इस तरह उद्धव से ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिवसेना दो फाड़ होती है तो दल बदल कानून का भी खतरा नहीं होगा, और इस तरह से उद्धव के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ शिवसेना की बागडोर भी एकनाथ शिंदे छीन सकते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार पर ही नहीं बल्कि शिवसेना के लिए भी अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिवसेना ने व्हिप जारी कर आज शाम 5 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उससे लगभग 50 मिनट पहले ही एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैध बता चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा कर दी। साथ ही भरत गोगावले को इस पद पर नियुक्त भी कर दिया। साथ ही शिंदे ने विधायक दल के नेता होने का दावा ठोकते हुए 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि उनका समर्थन करने वाले तमाम विधायक भी महाराष्ट्र विधानसभा का ही हिस्सा है। इस चिट्ठी में वो कारण बताए गए हैं कि आखिर शिंदे ने बगावत क्यों की। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि सत्ता के लिए अपने विचारों के साथ समझौता किया गया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली गई। ऐसे एक फैसले से पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता असहज थे, और इन सभी कारणों की वजह से पार्टी को जनता के साथ साथ विपक्ष के भी मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। चिट्ठी के आखिर में बागी विधायकों ने दो पहलू साफ कर दिए। पहला ये कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दल के नेता रहने वाले हैं, और दूसरा ये कि भरत गोगावले को शिवसेना विधानमंडल का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, वो चीफ व्हिप रहने वाले हैं। जोर देकर कहा गया है कि सुरेश प्रभु ने जो व्हिप जारी की है वो पूरी तरह अवैध है और कानून में उसके कोई मायने नहीं है। साफ है सरकार के साथ पार्टी पर भी कब्जा करने की कोशिश। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 46 विधायक हैं। हालांकि गुवाहाटी में अभी शिवसेना के 35 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। 3 और विधायक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं, यानी कुल 40 विधायक। अब एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा ये जल्द ही पता लग जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी फेसबुक लाइव किया और कहा कि शिंदे सामने तो आए, सामने आकर कहें कि मुख्यमंत्री पद पर मैं ना बैठूं तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। हे इकडून तिकडून नाही, आमचं तुमच्याबद्दल काहीच म्हणणं नाही आहे, पण तसं नसेल तर जोपर्यंत मी खुर्ची अडून ठेवले तोपर्यंत काय होणार, काहीच होणार नाही। म्हणून एकदा ठरवूया, तुम्ही या किंवा तिकडनं फोन करा आणि सांगा की तुमचं आम्ही फेसबुक लाईव्ह पाहिलं, चॅनलच्या माध्यमातून पाहिलं, फेसबुकच्या माध्यमातून पाहिलं, आम्हाला तिकडे यायला संकोच वाटतो, पण तुम्ही म्हणालात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला नकोत, हे स्पष्ट सांगा। मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे, या क्षणाला मी मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे। इस स्पीच के बाद ही रेडिसन होटल में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां बागी विधायक ठहरे हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि उद्धव की स्पीच के बाद कोई पिघल न जाए। और ऐसे में ये बागी नेता महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। बीजेपी ने उद्धव सरकार के अल्पमत में आने का दावा किया है, लेकिन खुद सरकार के गठन के मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है। बीजेपी भी ये बात बार बार कह रही है। एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट पर ही दावा किया कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सियासी उथल पुथल के बीच विधानसभा भंग करने के संकेत दिए, साथ ही एक और ट्वीट किया जिसमें ये नजर आ रहा है कि अभी संघर्ष बाकी है। हालांकि अगर उद्धव सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती है तो जरूरी नहीं कि राज्यपाल उसे स्वीकार करे, लेकिन अब तो सरकार के साथ साथ पार्टी पर भी बनाई है। देखना होगा कि एकनाथ शिंदे आगे किस तरह का ऐलान करते हैं और उद्धव ठाकरे उसे कैसे टैकल करती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।